गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस नए कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करते हैं कि ये कोर्स पूरा होने तक हमारी जो समझ है वो कुछ चीजों में सुधर जाएगी। हम लोगों ने रियल लाइन के बारे में पढ़ा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको रियल एनालिसिस में जो रियल लाइन का एनालिसिस है वो समझ में आता होगा। तो फिर आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना पड़ा। इवन रियल एनालिसिस में एक चैप्टर है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स और ज्यादातर हम लोग वहां R2 में काम करते हैं। और जब हम R2 की बात करते हैं तो हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर लेते हैं, एक को एक्स एक को वाई, बेसिकली दोनों एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं। तो फिर यहां पर सवाल ये उठता है कि आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते पढ़ते RN तक आ जाते हैं, n टपल्स, उसी का पर्टिकुलर केस R2 हुआ। और जब आप R2 की बात करते हैं तो उसमें और कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसा लगता है कि ये तो दोनों एक ही जैसी बात हो रही है। तो ये कंफ्यूजन आता है शुरुआत में किसी भी बच्चे के दिमाग में कि अगर R2 ही C है तो वो तो हमने सेवरल वेरिएबल में RN भी पढ़ लिया, फिर आप कॉम्प्लेक्स को अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या R2 और C आइसोमॉर्फिक है C फॉर कॉम्प्लेक्स प्लेन, या कुछ चीजें कॉमन है और कुछ चीजों में अंतर है? ये फंडामेंटल क्वेश्चन है बच्चों, तो हम इस पे बातचीत करेंगे और आप पाएंगे कि अंतर होगा। अगर अंतर नहीं होता तो फिर R2 या RN तो हम पढ़ ही चुके थे, कॉम्प्लेक्स अलर्ट से पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत अपने आप में बता रही है कि जरूरत है तो दोनों में अंतर होगा। इसका मतलब ये जो सिंबल मैंने बीच में बनाया ये सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि R2 और C में कोई सिमिलरिटी नहीं, कुछ चीजें सिमिलर है, कुछ चीजों में अंतर है। और वो अंतर इतना बड़ा अंतर है कि आपको एक नई ब्रांच शुरू करनी पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग कौन सी किताबें पढ़ें या फॉलो करें। जरूरी नहीं है सारी किताबें अभी आप पढ़ लें, लेकिन अच्छी किताबें पढ़ना जरूरी है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं इस किताब को फॉलो करूंगा, साउथ इंडियन लॉर्ड स्वामी सामी लिखते हैं, तो एस पुन्नु स्वामी है। लेकिन मैंने खुद भी स्टेन एंड सटार्चे खरीदी, ये भी खरीदी है मैंने और मुझे काफी पसंद आई। मैं पूरा नहीं पढ़ पाया अभी तक, उम्मीद करता हूं कि कई टॉपिक्स यहां से हम लोग लेंगे। और एक अच्छी बुक ये भी है जेबी कॉनवे, और एक क्लासिक जो सबसे शानदार मानी जाती है इनमें लार्स एल्फोर्स की, एल्फोर्स में ऐसे शायद हमारे पास ये किताबें हैं। ये जो लास्ट वाली किताब है ये मैं आजकल पढ़ रहा हूं तो शायद उतना अभी अप्लाई ना कर पाऊं, बाकी मैंने थोड़ी या ज्यादा पढ़ी, अभी इतना ही मेरे ख्याल से काफी रहेगा। आप इनमें से किसी भी बुक को खरीदें, ये अपने आप में शानदार किताब है। इसके अलावा बियर्डिंग की बुक भी है, और बच्चों के लिए मेरे ख्याल से अगर पहली बार कोई रीडर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये दो किताबों में से कोई ले लीजिए, पर्याप्त है। एल्फोर्स सेकेंड रीडिंग के वक्त आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, दूसरी बार के रीडिंग में। ये मेरा अनुभव है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एक बेहतरीन पैटर्न हो, आप उसको अलावा भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि R2 और C में क्या अंतर है, किस तरह से ये दोनों चीजें सिमिलर हैं और किन मुद्दों पर ये दोनों अलग हैं, इन पे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो हम लोग जब रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो कुछ चीजों पे हम बातचीत करते हैं।
आर जब हम लोग बनाते हैं, प्रदीप है कोई, आपका माइक ऑन है प्लीज, माइक ऑफ करिए प्रदीप। हाँ जी, तो खुद ही ध्यान रखिएगा प्लीज। एक तो टाइमिंग का, अगर जो टाइम है उतने बजे जोड़ना है, दूसरा माइक जरूरत पड़े तभी ऑन करिए वरना ऑफ रखिए। हम लोग जब आर की बात करते हैं तो एक टोटली ऑर्डर्ड फील्ड की बात आती है, टोटली ऑर्डर्ड फील्ड हम लोग बात करते हैं। और अगर आप इससे भी पहले बात कर सकते हैं तो फील्ड के बारे में, मैं उम्मीद करता हूं कि फील्ड के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि फील्ड एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। एक नॉन एम्प्टी सेट लीजिए और उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन लीजिए जो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को आप फील्ड बोलते हैं। फील्ड के नाम पर जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि तीन फंडामेंटल सेट हमारे क्यू आर सी, ये तीनों फील्ड है, ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये फील्ड का रोल निभाते हैं। हम अभी क्यू पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम आर और सी के बारे में बात करना चाहते हैं, आर के माध्यम से सी तक पहुंचना चाहिए। ठीक हो गया, तो फील्ड तो समझ में आया। अब दूसरा आता है टोटली ऑर्डर्ड क्या होता है। तो टोटली ऑर्डर्ड में अगर कोई दो रियल नंबर है, मैं आर के मामले में बात करना चाह रहा हूं पहले, कि ए और बी अगर कोई दो रियल नंबर है तो आप जानते हैं कि इन तीन में से एक कंडीशन जरूर होगी, या तो ए और बी बराबर होंगे या ए बी से छोटा होगा या ए बी से बड़ा होगा, इनमें से कोई ना कोई कंडीशन जरूर आएगी। आप इसे लॉ ऑफ ट्राइटोटॉमी भी कह सकते हैं। ये रियल नंबर के फील्ड की बात होगी। अब हम देखते हैं कि क्या हम कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स में जब नंबर डिफाइन करते हैं तो सभी लोग जानते हैं, मैं कुछ चीजें मान के चल रहा हूँ कि जेड इक्वल टू आप एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई लिखते हैं। ये जो आयोटा सिंबल है जिसको रूट माइनस वन कहते हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स लियोनार्ड ऑयलर साहब की देन है, ये उनका उनको जाता है ये क्रेडिट। तो आधुनिक दौर में जो हमारी गणित है उसको रीएस्टेब्लिश करना, जिसको आप रेनेसा पीरियड कहते हैं हिस्ट्री में, पुनर्जागरण, उस फेज के बाद हर सब्जेक्ट ने गजब की तरक्की की और नई अप्रोच के साथ। तो लियोनार्ड ऑयलर साहब स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन थे और लगभग हर ब्रांच में इनका रोल है। इतना काम पूरे जीवन में मैं हैरान भी हूं एक इंसान कैसे कर सकता है, क्योंकि ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया ने इनके काम के 100 वॉल्यूम छापे, बड़े बड़े, एक वॉल्यूम ही पूरे रामायण जैसा होता है। एक इंसान अपने जीवन में इतना काम कर गया कि हमारी आधुनिक गणित में लगभग हर ब्रांच में ऑयलर साहब का कंट्रीब्यूशन दिखता है, ढेर सारी ब्रांचेज इनकी वजह से शुरू हुई। और आप ये भी मानते होंगे कि जो आयोटा है वो जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर कोई फायदा नहीं है मानने का, फिर तो एक्स और वाई रियल नंबर है। आप ये भी जानते होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे डिफाइन होता है एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई, जहां एक्स और वाई रियल नंबर है। अब आप देखिए प्लीज, आयोटा जीरो नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो भी टोटली ऑर्डर्ड फील्ड है या नहीं। फील्ड तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो मैं समझा भी नहीं रहा हूं। मैं मानते चल रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सब लोग जानते हैं, तो फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आयोटा अगर जीरो नहीं है तो रियल नंबर की तर्ज पर आप ये मान सकते हैं या मान सकते हैं कि आयोटा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर आयोटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके हिसाब से दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन ऑयलर साहब ने जो डिफाइन किया है उस हिसाब से आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन होता है और आपका आ जाएगा माइनस वन ग्रेटर देन जीरो,
जिस पर आपको खुद ही ऑब्जेक्शन होगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और अगर आप आयोटा को निगेटिव मानते हैं तो निगेटिव इंटू निगेटिव फिर पॉजिटिव होना चाहिए, वही लाइन आ जाएगी फिर आई स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ये भी गलत होगा। मतलब अब आपकी परेशानी ये हो गई, आपने आयोटा डिफाइन किया और आयोटा को आप ना तो जीरो मान पा रहे हैं, ना ग्रेटर देन जीरो मानने की स्थिति है आपकी, ना लेस देन जीरो मानने की स्थिति है, तो आप कंपेयर नहीं कर पा रहे। सरल शब्दों में कहें तो जैसा कंपेरिजन रियल में होता है, रियल एनालिसिस पढ़ते समय कोई भी दो रियल नंबर अगर लें तो रियल लाइन में हम ज्योमेट्रिकली उन्हें दिखा सकते हैं, जो राइट हैंड साइड में है वो बड़ा माना जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो छोटा माना जाता है। लेकिन आप ऐसा कॉम्प्लेक्स में नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमने ये समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो टोटली ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। फील्ड है मतलब उसमें टोटल ऑर्डर नहीं लगेगा। इसको सरल शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे। आप ये नहीं कह सकते कि जेड वन बड़ा होगा जेड टू से या जेड टू जेड वन छोटा होगा जेड टू से, ऐसा नहीं कह सकते। बराबरी एक बार के लिए पॉसिबल है, वो भी तभी जब रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों एक ऑर्डर डिफाइन किया जा सकता है जिसको डिक्शनरी ऑर्डर या लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। ये जिस समय हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तब आता है, एक ऑर्डर है डिक्शनरी या लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, आप लोग पढ़िएगा इसके बारे में जरूर। एक्चुअली लेक्सिकोग्राफी एक ब्रांच है जो स्टडी ऑफ डिक्शनरी है। डिक्शनरी तो सभी लोग जानते होंगे, इंग्लिश की डिक्शनरी हिंदी के साथ हमने पढ़ी, आज तो हर सब्जेक्ट की डिक्शनरी आती है ढेर सारी। तो डिक्शनरी में जो शब्द लगे होते हैं वो एक ऑर्डर पे लगे होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे किस तरह से लगते हैं। तो डिक्शनरी ऑर्डर जो होता है वो नॉर्मली इस तरह का हम लोग बात कर लेते हैं कि डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक टू प्लस थ्री आई ले लिया और दूसरा सेवन माइनस एट आई, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि z1 जो है वो x1 प्लस iota times y1 है और z2 जो है वो x2 प्लस iota times y2 है। तो अगर वो ये कहते हैं कि x1 जो है बड़ा हो जाए x2 से, अब क्योंकि x1 और x2 रियल नंबर हैं तो उनमें कंपेरिजन पॉसिबल, तो फिर आप z1 को पहले लिखेंगे जिसका रियल पार्ट है वो पहले आएगा। बड़ा का मतलब यहां पर समझिए, आप कहेंगे फिर आपने बड़ा लिखते हैं, बड़ा जैसा नहीं है, आप ऐसा सिंबल भी ले सकते हैं, इसका मतलब जेड वन को प्रेफरेंस देंगे। फिर आपने कहा कि सर अगर रियल पार्ट बराबर हो गया कहीं ऐसा आ गया तो इन दोनों में तो रियल बराबर है, तो कोई बात नहीं फिर हम इमेजिनरी पार्ट वाई वन वाई टू में कंपेयर करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का ऑर्डर है, आपका रियल नंबर वाला ऑर्डर नहीं है, छोटा बड़ा वाला बात नहीं है, प्रेफरेंस वाली बात है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब पहला, जैसे आपका मेरा अगर दोनों का नाम एन से शुरू है तो डिक्शनरी में फिर आप ये देखेंगे पहला तो सेम हो गया, दूसरा वर्ड जिसका पहला आएगा वो पहले उसका नाम पहले आएगा। अगर मेरा नाम नरेंद्र है, एन के बाद ए आ गया, किसी का एन आई आ गया, तो जाहिर सी बात है पहले ये नाम आएगा फिर ये आएगा। तो यहाँ पर समझिए सेंस कि पहला शब्द तो बराबर हो गए दोनों के, तो दूसरे में कंपेयर कर लिया, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी ऑर्डर या लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो इस वजह से एक नया शब्द सीखा आपने, लेक्सिकोग्राफी। इस बहाने हमने ये भी तो सीख लिया, दिस इज द स्टडी ऑफ डिक्शनरी, हाउ टू स्टडी अ डिक्शनरी, हाउ टू फॉर्म अ डिक्शनरी, इस तरह के जो अध्ययन होते हैं डिक्शनरी से रिलेटेड। या देखिए हर ब्रांच में सीखने को बहुत कुछ होता है, तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर उम्मीद है समझ में आया होगा, या नहीं आया तो बताइए प्लीज। आया समझ में बच्चों?
यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर दो जगहों के नाम जैसे ट्राइव तो स्पेलिंग इतनी माइनर सी चेंजेस है, आपने स्टेशनरी शब्द दो तरफ पढ़ा होगा, रुका हुआ और एक जो हम लोग ये कॉपी किताबें खरीदते हैं, तो दोनों किस तरह से आते हैं? जब पहला भी मैच कर जाए तो दूसरे पे जाते हैं, दूसरे शब्द भी दोनों अल्फाबेट मैच करें तो तीसरे पे जाते हैं। हमने वो वाला पैटर्न उठाया मैथ्स में, हम इसको प्रोडक्ट टोपोलॉजी में भी लगाते हैं। मैं तो इस उम्मीद में हूँ कि नेक्स्ट सेशन में कहीं टोपोलॉजी पढ़ाने का मौका मिले और एक पूरा कोर्स टोपोलॉजी पे खींचे तो चीजें हमारी और समझ में आए। देखते हैं जो भी होगा। तो बहरहाल मैंने कॉम्प्लेक्स में जो पहला चीज आपको बताने की कोशिश की है कि रियल के मुकाबले कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर्डनेस नहीं है। टोटली ऑर्डर्ड फील्ड अगर बात करेंगे तो आप बता देंगे कि इन तीनों में, बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, ये जो तीनों हमारे हैं क्यू आर और सी, ये तीनों में जो अंतर है वो महसूस करना जरूरी है। तीनों में अंतर महसूस करना जरूरी है क्यू आर और सी में। तो आर और सी में क्या अंतर है कभी कहीं पूछा जाए या क्या समानता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों फील्ड हैं, ये समानता बता सकते हैं। डिफरेंस टोटल ऑर्डर के मामले में। अच्छा, अगर किसी ने पूछा क्यू और आर को कैसे अंतर करेंगे क्यू और आर में, वैसे ये अभी यहाँ का सब्जेक्ट का नहीं है, फिर भी मैं आपको पूछ ले रहा हूँ, क्यू में और आर कंप्लीट। वेरी गुड। कंप्लीटनेस अपने आप में जो प्रॉपर्टी है वो बताती है कि वो क्यू के पास नहीं है, आर के पास है। कंप्लीटनेस आप पढ़िएगा और आपको महसूस होगा बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है कि आर कंप्लीट है। ये बेसिकली हम यूजुअल टोपोलॉजी के सेंस में बात कर रहे हैं अभी, लेकिन जब टोपोलॉजी कहीं ने पढ़ी नहीं है तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा, नॉर्मल वे में बात करें। तो हम लोग जो पहला लेक्चर ले रहे हैं इसमें बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और फाउंडेशन पे बात कर रहे हैं अभी। अब मेरा जो सवाल शुरू में मैंने पूछा था, क्या आर टू और सी एक ही है, तो हम कहेंगे कुछ हद तक दोनों में आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं, और वो है एडिशन के मामले में। अगर आप प्लस करते हैं आर टू में, आप टू टपल्स लेंगे आर टू में, अगर आपने कोई नंबर लिया है जैसे एक्स लिया है तो एक्स टू आप ऐसे लिखते हैं वहां एक्स वन कॉमा एक्स टू। अच्छा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में आप लोग जानते हैं जेड इक्वल टू आप एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई लेते हैं, और ज्योमेट्रिकली आप इसे भी एक्स कॉमा वाई ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस हम मान लें अपने सुविधा के लिए, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं कई लोग। कई लोग इसको जेड प्लेन भी कहते हैं और कई लोग इसको आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं, आर्गेंड मैथमेटिशियन का नाम। और कहीं मैंने गॉसियन प्लेन भी पढ़ा था लेकिन मुझे श्योर नहीं हूं, हो भी सकता है, देख लीजिए, इतनी जरूरत नहीं है नामों पे फोकस करने की। ग्रॉस ऑलरेडी इतने सम्मानित हैं कि नाम यहां ना भी लिया जाए तो नाराज नहीं। अब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि रियल को रियल के साथ जोड़ा जाता है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बोलें तो एब्सिसा को एब्सिसा के साथ, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ। और सरल शब्दों में बोलूं तो भुज और कोटि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, वाई कोऑर्डिनेट के साथ। तो ये तो एन टपल्स के साथ भी होता है, टू टपल्स में अगर आप मैं दूसरा वाई वन कॉमा वाई टू ले लूं और यहां पर आप एक्स प्लस वाई ले लें तो आप एक्स वन प्लस वाई वन करेंगे और एक्स टू प्लस वाई टू करेंगे, तो आप करेंगे ऐसा, तो यहां भी होता है। तो आपने ड्रॉ किया कि अगर ऑपरेशन एडिशन लें तो आर टू में और सी में ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। अच्छा जी, तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है, दिक्कत आ रही है मल्टीप्लीकेशन में।
आपने लीनियर एलजेब्रा पढ़ते समय कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि दो टू टपल्स को हम मल्टीप्लाई करें, ऐसा डिफाइन करना बड़ा दिक्कत है। इनर प्रोडक्ट एक मैक्सिमम जो है वो डिफाइन हुआ होगा और बाकी जगह आपको समझ नहीं आता कि इसको लिखना कैसे। लेकिन यहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स में जेड वन जेड टू को मल्टीप्लाई किया जाए तो आप कह सकते हैं कि ये एक्स वन प्लस आयोटा टाइम्स वाई वन है और ये एक्स टू प्लस आयोटा टाइम्स वाई टू है, और आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस आयोटा टाइम्स एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन है। तो आप n टू टपल में लिखना भी चाहें तो एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू कॉमा एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन आप ऐसे लिख रहे हैं। तो आप प्लीज ड्रॉ करिए जेड वन जेड टू को आप दो टपल्स में भी लिख सकते थे, ये एक्स वन कॉमा वाई वन था और ये एक्स टू कॉमा वाई टू था, और इनका मल्टीप्लीकेशन आप ये लेके आए तो मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, स्पेशल टाइप का मल्टीप्लीकेशन हो गया। लेकिन आपने ऐसा दो टपल्स में प्रोडक्ट तो डिफाइन किया ही नहीं है यहां पर। तो मल्टीप्लीकेशन में दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये समझ में आया हो, जो आर टू के पास नहीं है। अभी हम लोग ये भी जानते हैं कि जेड वन अपॉन जेड टू आप डिफाइन कर पाएंगे, ये डिफाइन हो जाएगा अगर जेड टू नॉन जीरो है। लेकिन ये प्रॉब्लम यहां पर आएगी लेफ्ट में कि एक्स अपॉन वाई आप दो टू टपल एक ऊपर ले लीजिए एक्स वन एक्स टू और एक नीचे ले लीजिए वाई वन वाई टू, तो आपको समझ नहीं आएगा आप करना क्या है। तो इसका मतलब ये डिविजन भी मल्टीप्लीकेशन का ही हिस्सा है। तो ये चीजें आर टू में डिफाइन नहीं थी, मल्टीप्लीकेशन थी। तो जो हमारे चार बेसिक ऑपरेशन हैं बचपन से हमने पढ़े हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो प्लीज अब हम ध्यान दीजिएगा इन दोनों को एक ही खांचे में डाल देते हैं, इन दोनों को एक ही में, तो हमारे जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो दो ही आ जाते हैं। क्योंकि जो आपने चाह ए माइनस बी तो बेसिकली ये एडिशन ही है, आप ए में माइनस बी जोड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन का पार्ट आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप a अपॉन b कह रहे हैं और b नॉन जीरो है कहीं, तो आप इसे a इंटू वन अपॉन बी भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो जिसको आप डिवीजन कह रहे थे वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर ही शामिल है। तो जो फंडामेंटल ऑपरेशन है वो ज्यादातर दो पे बात कर लीजिए, एडिशन पे और मल्टीप्लीकेशन पे। इसी वजह से आपने जब बाइनरी ऑपरेशंस पे शुरुआत में बातचीत होती है ज्यादातर दो ऑपरेशंस में लोग ज्यादा डिफाइन करते हैं, क्योंकि बाकी दो तो उसी के हिस्से हैं, वो अलर्ट नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स में और आर टू में एक फंडामेंटल अंतर समझ में आया होगा आप लोगों को, आया कि नहीं आया। यहाँ तक कोई और जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, चलिए ठीक है। हम यहां से अब सवाल ये उठता है कि आप कॉम्प्लेक्स पढ़ के क्या हासिल कर लेंगे, क्या ऐसा आप हासिल करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स पढ़ के, कुछ फायदे बताइए जो आप रियल के साथ नहीं कर पा रहे थे, आर में नहीं कर पा रहे थे और आप सी में कर पाएंगे सी के साथ। ऐसे कौन से फायदों की बात करें, दो चार फायदे तो समझ में आने चाहिए ना। तो आप एक बात सोचिए, ये पूरी रियल लाइन है, अगर मैं इसमें एक पॉइंट भी बीच में कहीं पर हटा दूं, अब हटाया हुआ हिस्सा ऐसे बना देता हूं, तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा ना, अभी कनेक्टेडनेस गायब हो जाएगी। अगर आप ए से बी तक की बात करें और आपने बीच में से एट पॉइंट कोई हटा दिया, यहां से एट्स कोई एट पॉइंट था वो ड्राइव कर दिया, केवल एट पॉइंट हटाया, तो ए से बी तक का जो आप पोर्शन है क्या वो कनेक्टेड कहलाएगा? नो सर। नाम से क्लियर है, विजुअल हो रहा होगा, कनेक्टेडनेस ड्राइव हो जाएगी। अच्छा जरा इधर सोचिए, कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा पैच लेते हैं, इतना ले लेते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स में प्लेन है,
आपने एक पॉइंट यहां पर ग्रैब कर दिया, अभी भी ये कनेक्टेड माना जाएगा या नहीं? आप यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर बी है, किसी पाथ से आप उसको कनेक्ट अभी भी कर सकते हैं या नहीं? यस सर। और आर में नहीं कर सकते थे ना, आर में कनेक्टेडनेस उसी समय खत्म हो जाती है अगर एक पॉइंट भी गायब हो गया। सी में कनेक्टेडनेस अभी भी बची रह सकती है, हाँ उससे कुछ और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती होंगी, उन पे बाद में बातचीत होगी। पहली बात समझ में आई बच्चों? ये केवल एक शुरुआती इंटरेस्ट जगाने के लिए, थ्योरी डेवलप होगी तो आप समझेंगे मल्टी कनेक्टेड क्या होते हैं, सिंपली कनेक्टेड क्या होते हैं, हम बाद में आएंगे। यहां पर आप जब दूसरा एक चीज पे दिक्कत आएगी आपको पावर सीरीज में, आप कोई भी अगर फंक्शन लें, एफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है, कोई सिंगल वैल्यूड हम मान रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो पहले ये आती है कि एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो आपने चलिए कर दिया, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स एडजस्ट करेगा, तो ठीक है। अब एफ डैश एक्स एडजस्ट करे जरूरी नहीं है, उसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश एफ डैश एट से एडजस्ट करता है तो एफ डबल डैश एडजस्ट करे ये जरूरी नहीं है, एफ डबल डैश एडजस्ट करता है तो जरूरी नहीं है एफ ट्रिपल डैश एडजस्ट करे। तो रियल के साथ दिक्कत यह है कि अगर आप सीरीज एक्सपेंशन चाहते हैं तो आपको हर ऑर्डर के डेरिवेटिव की एडजिस्टेंस की गारंटी पहले से देनी पड़ती है, ठीक है, पहले से देनी पड़ती है। आपने पढ़ा भी होगा जनरलाइज टेलर और बाकी में कि एफ एफ डैश एफ डबल डैश अप टू एन एथ डेरिवेटिव, मतलब आप पहले गारंटी दे रहे हैं कि ये सब एडजस्ट करेंगे। यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी का जनरलाइज्ड वर्जन आएगा और उसको हम लोग एनालिटिक बोलेंगे बच्चों, अभी नेबरहुड का कंसेप्ट आएगा फिर समझाऊंगा। और एनालिटिक फंक्शन के साथ एक बड़ी शानदार चीज है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है कहीं पर तो वहां पर एफ डैश जेड भी एनालिटिक होगा, वहां पर एफ डबल डैश जेड भी एनालिटिक होगा एंड सो ऑन, उसके सारे डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे वहां पर। तो एट एफ जेड एनालिटिक होने पे उसके लिए सारे के सारे अपने आप आ गए, जबकि रियल में हर लेवल पे चेक करना पड़ता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये सारे डेरिवेटिव एडजस्ट करने के बाद भी रियल में हमारे पास ऐसे फंक्शन है जिसका पावर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता, ये क्वेश्चनेबल हो जाता है। लेकिन यहां कई किताबों में एल4 साहब ने तो गारंटी दी है कि एनालिटिक ही उसे कहेंगे जिसका पावर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा। तो पावर सीरीज एक्सपेंशन बहुत ही पावरफुल टूल है, किसी भी फंक्शन के लिए सीरीज एक्सपेंशन मिलेगा, एनालिटिक में आपको मिल रहा है लेकिन यहां नहीं मिल पा रहा है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल हैं रियल के साथ, तो रियल में थोड़ा सा कमियां हैं, कुछ अपने कमियां हैं लेकिन रियल के अपने प्लस पॉइंट थे, कॉम्प्लेक्स के अपने एडवांटेजेस हैं। ये एक दो छोटे छोटे एडवांटेजेस थे, और भी कई सारे आते जाएंगे, हम समझते रहेंगे। क्या मैं इतना समझा पाया हूं या यहां तक कोई डाउट है? सर रियल में वो कौन से फंक्शन थे जिनकी पावर सीरीज नहीं मिलेगी? आप डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो चैप्टर है वहां जाइएगा। मैं इस तरह का एक फंक्शन था, मैं e^-1/x² इनटू कुछ और था, साइन था या कुछ था, आपको मिल जाएगा शायद स्टीफन अबॉट में भी है। इसमें f0 f-0 इसका हर डेरिवेटिव ओरिजिन पर जीरो है, ठीक है। अब जब आप एक्सपेंशन करेंगे ना, f(x=f0+x^(1), f-0+x^2/2, f"=0, तो कार्तिक होगा ये कि इसके सारे डेरिवेटिव एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन इत्तेफाक से सारे जीरो हैं, तो अब आप सीरीज एक्सपेंशन कैसे कर पाएंगे, सभी तो जीरो आ गए।
यस सर. हाँ इसे देखिएगा, मिल जाएगा आपको. स्टीफन अबॉट मैंने भेजी भी थी आप लोगों को, और भी कई किताबों में मिल जाएगा एग्जाम्पल. ये एक बड़ा काउंटर एग्जाम्पल है. जब कोई ऐसा एग्जाम्पल हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमने ये समझाना चाहिए कि इसमें कितना बड़ा अंतर आ रहा है. इस फंक्शन की वैल्यू समझने की जरूरत है. इसका हर डेरिवेटिव एडजस्ट करता है लेकिन वो डेरिवेटिव जीरो है, तो पावर सीरीज एक्सपेंशन कैसे करोगे? एनालिटिक गारंटी देता है. यहां पर एनालिटिक होना गारंटी है अपने आप में. यहां पावर सीरीज एक्सपेंशन आई ड्राइवर एनालिटिक है, तो हम पहले तो एनालिटिक पे ही फोकस करेंगे कि भाई एनालिटिक कहें जिसको, और एनालिटिक पे भी हम बाद में जाएंगे. कार्तिक पहले मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, क्योंकि ये कोर्स हम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो हम ज्यादा एडवांस नहीं जाएंगे. हम पहले yes, शुरू करेंगे ताकि किसी को भी जो पहली बार पढ़े उन्हें भी जर्क महसूस ना हो, वरना मैं सीधे एनालिटिक पे आ सकता था. चलिए अभी इतना करते हैं. हम लोग 8:10 पे जुड़ेंगे. जूम की मीटिंग के साथ ही दिक्कत है ही थोड़ा सा, तो इसको मैं अब रोक रहा हूँ. 8:10 पे हम दोबारा जुड़ेंगे. थैंक यू.